नमस्कार, मैं त्रिलोकनाथ पांडे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज हम होली मना रहे हैं। हिंदी शिक्षण मंच, हिंदगी हिंदी है जिंदगी एवं समज्ञा का ये समकित रूप जो है या प्रयास जो है वो आज होली लेकर आया है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा साथियों कि होली का जो त्योहार है वो मिलने और मिलाने का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। एक रंग है राम भक्ति का, एक रंग संतों की वाणी, एक रंग है देश प्रेम का जिसमें रंगते बलिदानी, बनता है तिरंगा जिससे वो रंग है हिंदुस्तानी। जी हाँ दोस्तों, आप सबको रंगों से भरे त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का कार्यक्रम बहुत ही सही मायने में कहें तो स्पेशल है। जी हाँ, उससे पहले मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा सरस्वती वंदना हेतु डॉक्टर राखी कटियार सिंह जी को। आदरणीय नमस्ते, हिंदी शिक्षण मंच का एक बार फिर से स्वागत और उससे जुड़े तमाम दर्शक और श्रोताओं का स्वागत और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके मन में आपके तन में ये गुलाल और अबीर की जो बौछार है वो हमेशा नई रंगत बिखेरती रहे। सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हूँ माँ सरस्वती की वंदना। हंसासिनी तेरी जय हो विजय हो, हंसासिनी तेरी जय हो विजय हो, संसार तेरा अखिल प्रेममय हो, संसार तेरा अखिल प्रेममय हो, ज्योतिर्मयी सुर का संसार दे, ज्योतिर्मयी सुर का संसार दे, संसार में प्यार ही प्यार भर दे, संसार में प्यार ही प्यार भर दे, सत्यम शिवम सुंदरम की ही लय हो, हंसासिनी तेरी जय हो विजय हो, कमलासिनी विश्व मुखरित तू कर दे, कमलासिनी विश्व मुखरित तू कर दे, पी
के तारों में हर मन अभय हो, वीणा के तारों में हर मन अभय हो, हंसासिनी तेरी जय हो विजय हो, संसार तेरा अखिल प्रेममय हो, हंसासिनी तेरी, हंसासिनी तेरी, हंसासिनी तेरी जय हो विजय हो। माँ सरस्वती के चरणों में ये बहुत वंदना सुंदर। हम सबकी ओर से प्रस्तुत की गई। आप सभी को बता दें कि आज की गाड़ी जो है, रंगों की गाड़ी जो है, जी हाँ, उसकी स्टीयरिंग व्हील जो है वो मैडम के हाथों में है। जी हाँ, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा मैडम कि आज के इस कार्यक्रम को आप आगे ले चलें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। और सर्वप्रथम मेरी जो ये गाड़ी है इसमें कितने खास और कितने विद्वान लोग जुड़े हुए हैं वो मैं सबको बताना चाहूंगी, इस मंच से जुड़े तमाम दर्शकों और श्रोताओं को। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं श्री कृष्ण कुमार दुबे जी, सुदामी यादव जी, कंचन राय जी, अंजू छारिया जी, कामायनी संजय जी, आभा चौहान जी, अर्चना खंडेलवाल अर्ची जी, सुषमा रजनीश जी, रिंकी जी, त्रिलोकनाथ पांडे जी जिनसे अभी आपका तारुफ हुआ, और मैं स्वयं। देखिए इतने खूबसूरत और नायाब हीरे इस मंच से जुड़े हुए हैं जिनकी विद्वता का लोहा तो हम लोग मान ही चुके हैं, साथ में उनकी जो विशिष्ट गायन शैली है और जो अभिव्यक्ति है वो एकदम उन्हें खास बना देती है। इस कार्यक्रम का जो नाम हम लोगों ने रखा, कहते हैं ना कि बातों ही बातों में कभी बड़ी खूबसूरत सी बात हो जाती है, कि होली के रंग बिखेरे जाएंगे, तो मुझे याद आ गया ब्रज का एक लोकगीत कि रंग में रंग दई बांह पकड़ ली लाजन मर गई होरी में। और इतना खूबसूरत ये लोकगीत है और वहीं से एक शीर्षक हमने निकाला रंग में रंग दई, क्योंकि भले ही हम तन से रंगे हों ना रंगे हों, लेकिन जो फागोत्सव होता है, जो बसंत होता है, उसमें हम सबका मन जो है वो प्रेम के रंगों में सराबोर हो जाता है। इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखते होंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि रंग में रंग दई बांह पकड़ लई, रंग में रंग दई बांह पकड़ लई लाजन मर गई होरी में, रंग में रंग दई बांह पकड़ लई लाजन मर गई होरी में, चुंदरी रंग डारी होरी में, चुंदरी रंग डारी होरी में, पिचकारी मारी होरी में, ऐसे श्याम निसंग अंक भुज भर लई होरी में, रंग में रंग दई बांह पकड़ लई लाजन मर गई होरी में। तो आज जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, आप यकीन मानिए आप सीधे मथुरा वृंदावन की कुंज गलिन में पहुंच जाएंगे, यहाँ पे जो अभिव्यक्ति होगी उसके माध्यम से। तो आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज करने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ सबसे पहले कृष्ण कुमार दुबे जी को, जो कि अपनी सहजता के लिए प्रसिद्ध हैं और वैसे ही प्रभावपूर्णता उनके काव्य में भी देखने को मिलती है। कृष्ण कुमार दुबे जी, स्वागत है आपका आज के प्रोग्राम के आगाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी। इस हिंदी शिक्षण संस्थान को नमन करता हूँ, उपस्थित सभी कवि कवित्रियों को नमन एवं सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए मैं एक होली पर एक गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि फागुन स्वागत की रुत आई रे रसिया, फागुन की रुत आई रे रसिया, आई रे रसिया आई रे रसिया, आई रे रसिया आई रे रसिया, फागुन की रुत आई रे रसिया, फागुन की रुत आई रे रसिया। ओ गई शीत ऋतु आया फागुन,
आया फागुन आया फागुन, गई शीत ऋतु आया फागुन, फिजा हुई बेहद मन भावन। ले मौसम अगड़ाई रे रसिया, ले मौसम अगड़ाई रे रसिया, फागुन की रुत आई रे रसिया, फागुन की रुत आई रे रसिया। बहुत धन्यवाद। और बागों में बहु फूल खिले हैं, फूल खिले हैं, फूल खिले हैं, बागों में बहु फूल खिले हैं, आम पर अब बोर लगे हैं। और कोयल कूक सुनाई रे रसिया, कोयल कूक सुनाई रे रसिया, फागुन की रुत आई रे रसिया, फागुन की रुत आई रे रसिया। उल्ले पिचकारी रंग खिलत है, रंग खिलत है, रंग खिलत है, ले पिचकारी रंग खिलत है, और मिलकर सारे भंग पियत है। और गाल गुलाल लगाई रे रसिया, गाल गुलाल लगाई रे रसिया, फागुन की रुत आई रे रसिया, फागुन की रुत आई रे रसिया। और अंतिम बंद एक संदेश भरा कि कड़वाहट की मैल हटाओ, मैल हटाओ, मैल हटाओ, कड़वाहट की मैल हटाओ, एक दूजे को गले लगाओ, एक दूजे को गले लगाओ, नफरत दूर भगाई रे रसिया, नफरत दूर भगाई रे रसिया, फागुन की रुत आई रे रसिया, फागुन की रुत आई रे रसिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, हर बार की तरह आपका जो काव्य पाठ है वो बड़ा सहज और प्रभावपूर्ण होता है, बहुत सुंदर। और आपका तो नाम ही कृष्ण कुमार दुबे जी है, तो फाग में तो विशेष रूप से आपके नाम की सार्थकता, इसीलिए हमने आपसे प्रोग्राम का आगाज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। और जैसा कि बोला उन्होंने कि फागुन की ऋतु आई रे रसिया, और जब फागुन आता है तो चारों ओर जो रंगों की गुलकारियां होती हैं वो उसे और खास बना देती हैं। और कहते हैं कि बड़े जो बहार का दिन है उसमें ये मनाया जाने वाला अवामी त्योहार है, धार्मिक त्योहार है, लेकिन जो रंगों की गुलकारियां होती हैं, जो पिचकारियों के रंग बिखरते हैं, उससे सबका तन और मन जो है वो आह्लादित हो जाता है, और लोग गाने लगते हैं कि होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, कौन गाम के कुमर कन्हैया प्यारे, कौन गाम के उमर कन्हैया प्यारे, कौन गाम की छोरी रे रसिया, कौन गाम की छोरी रे रसिया, आज बिरज में छोरी रे रसिया, आज बिरज में। और मैं तो ये कहूंगी कि ब्रज में ही नहीं, ब्रज क्षेत्र को जो संपूर्ण धरा ऐसा लगता है कि रंगों में नहा रही है। आज देखिए हिंदी शिक्षण मंच पर कैसे रंग बिखरे हुए हैं, और त्रिलोकनाथ जी ने इतना खूबसूरत मंच सजाया है, तरह तरह के रंग जो है वो हमें यहाँ से नजर आ रहे हैं। तो अब हम अपने साथ की एक छोरी को बुलाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कान्हा की और राधा की बात हो रही है। मैं आवाज देने जा रही हूँ मौसमी प्रसाद जी को कि वो अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें और रंगों से हमें एक बार फिर से सराबोर कर दें। मौसमी जी, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम, इतने प्यार से बुलाएंगी आप तो फिर हम तो जाना ही नहीं चाहेंगे। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेरों बधाइयां। आप सभी को इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी रंग बिरंगे चेहरे दिख रहे हैं मुस्कुराते हुए, और सर जी का भी प्रस्तुति
दुबे सर का प्रस्तुति काफी अच्छा रहा। मैं ना कोशिश करती हूँ गाने की, है ना, भूल हो सकती है, मेरे से गाना आता नहीं है, तो ये मेरी पहली कोशिश रहेगी। स्वागत है, स्वागत। निकल पड़ी है मस्ती में डूबे सखियों की टोली, निकल पड़ी है मस्ती में डूबी सखियों की टोली, धूम मचाएगी खेलेगी सब जी भर कर होली। अरे धूम मचाएगी खेलेगी सब जी भर कर होली, लाल गुलाबी पीले रंगों में सबको नहलाते, लाल गुलाबी पीले रंगों में सबको नहलाते, भीड़ मजे में झूम रही है करती हंसी ठिठोली, भीड़ मजे में झूम रही है करती हंसी ठिठोली। खुशबू खुशबू गुजिया और मिठाई की फैली घर घर में, कहीं बटे ठंडाई कोई खाए भांग की गोली, कहीं बटे ठंडाई कोई खाए भांग की गोली, धूम मचाएगी खेलेगी सब्जी भर कर होली, धूम मचाएगी खेलेगी सब्जी भर कर होली। इंद्रधनुष से रंग सजे हैं, इंद्रधनुष से रंग सजे हैं सबके मुखमंडल पर, इंद्रधनुष से रंग सजे हैं सबके मुखमंडल पर, रंगी हुई है हर नारी अब नटखट हो या भोली, क्या बात है? रंगी हुई है हर नारी अब नटखट हो या भोली। ढोल नगाड़े बजा रहे हैं नाच रहे हैं मिलजुल, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं नाच रहे हैं मिलजुल, नेह रंग में हृदय रंगे बोलो सबकी रस घोली, नेह रंग में हृदय रंगे बोली सबकी रस घोली। और सुनिएगा, ओढ़ चुनरिया ओढ़ चुनरिया रंग बिरंगी पहुंची मैं साजन तक, ओढ़ चुनरिया रंग बिरंगी पहुंची मैं साजन तक, उनको रंगने आई थी पर सुनो, उनको रंगने आई थी पर उनके रंग में होली, धूम मचाएगी खेलेगी सब जी भर कर होली। हार न मानूंगी, शुक्रिया, हार न मानूंगी, मुट्ठी भर गुलाल लेकर आऊंगी, हार न मानूंगी, मुट्ठी में भर गुलाल लाऊंगी, रंग दूंगी तुझको प्रीतम, सुनो ना, रंग दूंगी तुझको प्रीतम, भर लूंगी मन की झोली, रंग लूंगी तुझको प्रीतम, भर लूंगी मन की झोली, धूम मचाएगी खेलेगी सब्जी भर कर होली, धूम मचाएगी खेलेगी सब्जी भर कर होली। गलती माफी, हाँ, बर्दाश्त करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर काम, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जो गाया दिल से गाया, बिल्कुल आप नाहा की परेशान हो रही थी, बहुत सुंदर गाया। और सबसे सुंदर सब तो बोलते है, हैं सबसे सुंदर सब कहते तो है ना, गाने की कोशिश करो। नहीं नहीं कोशिश तो खैर अच्छी बात है, सुंदर गाया है, बहुत सुंदर, आप हंस रहे हैं वो और भी सुंदर, अपने कामयाब कोशिश है आपकी, कामयाब कोशिश है, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण आपका। और कहते हैं ना कि फसलें बहार आई है होली के रूप में, फसलें बहार आई है होली के रूप में, 16 सिंगार लाई है होली के रूप में, तो ये जो फसलें बहार जो गुल खिलाती है और जो रौनक सबके चेहरों पर छा जाती है वो इस मंच से परिलक्षित हो रही है सबके चेहरों से। प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं फिर एक बार पहुंच रही हूँ वही मथुरा वृंदावन में। गोपियां इतनी शरारती हैं, आप सबने पढ़ा है सूरदास की गोपियां बड़ी वाक चातुर्यता उनमें भरी हुई है, और
वाग वैदग्धता भरी हुई है, बड़े कटीले से बाण छोड़ती हैं प्यार प्यार में। देखिए खुद ही आमंत्रित करती हैं, उनको आमंत्रण देती हैं कि आइए हमारे यहाँ खेलने के लिए, और जब आ जाते हैं तब कहती हैं कि देखिए रंग में रंग गई बाह पकड़ गई लाजन मर गई होली में। तो दोनों तरफ की बात किस तरह से करती हैं बेचारे कान्हा और उनके दोस्तों को, तो परेशान ही करना उनकी फितरत है इस समय। तो होली के जो रंग जब बिखरते हैं पहले बुलाती हैं देखिए कि अयो अयो रे कन्हैया नंद लाल रंगीली होरी में, अरे अयो अयो रे कन्हैया नंद लाल रंगीली होरी में, ऊंचो गाम धाम बरसानो खेले गोपी ग्वाल रंगीली होरी में। बुला रही है अयो अयो रे कन्हैया, और आने के बाद क्या करेंगे मैं एक एक क्रम से आपको बताऊंगी उनकी शरारतें। और अभी मैं बुलाने जा रही हूँ अपनी प्रिय मित्र सुदामी जी को कि सुदामी जी आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। सुदामी यादव, स्वागत स्वागत। सर सुदामी जी हैं क्या बैठे? शायद नहीं है अभी फिलहाल, जुड़ नहीं पाई है। ठीक ठीक है, तो मैं अपने मित्र कंचन राय जी मौजूद है। कंचन जी 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 जी, कंचन जी स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर संचालन आपका। सबको नमस्कार, सादर अभिवादन आप सभी का, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो लोग देख रहे हैं सबका सादर अभिनंदन, सबको होली की हार्दिक बधाई। तो होली क्यों मनाते हैं उसी को मैंने कुछ पंक्तियों में पिरोने का प्रयास किया है, वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृपया सुनिएगा और त्रुटि जो होगी उसे माफ करिएगा, त्रुटियां तो होती रहती हैं, माफ करने वाला बड़ा होता है। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है आज के, आज तो हम त्योहार मनाते हैं लेकिन क्यों मनाते हैं? इससे बहुत लोग अनभिज्ञ रहते, त्योहार मनाते हैं, होली क्या है? होली क्या है? रंगों का पर्व, रंगों का पर्व। पर्व क्या है? हमारी संस्कृति का गर्व। हमारी संस्कृति क्या है? सर्वोच्च। हमारी संस्कृति क्या है? सर्वोच्च। फागुन मासी की पूर्णिमा को होता है होलिका दहन। फागुन मास की पूर्णिमा को होता है होलिका दहन। ईर्ष्या पाप बुराई और असत्य को करते हैं हम दफन। ईर्ष्या पाप बुराई और असत्य को करते हैं हम दफन। है पौराणिक कथा, है पौराणिक कथा कि हिरणा कश्यप नाम का था एक असुर। है पौराणिक कथा कि हिरणा कश्यप नाम का था एक असुर, अहंकारी अत्याचारी स्वयं को बतलाता था सुर। अहंकारी अत्याचारी स्वयं को बतलाता था सुर। निज सुत प्रहलाद की नारायण भक्ति देती थी उसको कष्ट। निज सुत प्रहलाद की नारायण भक्ति देती थी उसको कष्ट। मिल बहन होलिका संग प्रभु भक्त को चला था करने नष्ट। मिल बहन होलिका संग प्रभु भक्त को चला था करने नष्ट। पावन पुनीत कर्म पर कैसे भारी हो पाता पाप। पावन पुनीत कर्म पर कैसे भारी हो पाता पाप। ईश्वर की ऐसी माया रही कि वरदान बन गया सा। ईश्वर की ऐसी माया रही कि वरदान बन गया सा। अन्याय की भागीदारी बुआ जलकर हुई राख। अन्याय की भागीदारी बुआ जलकर हुई राख। पर उस परम भक्त भतीजे पर आई ना कोई आज। पर उस परम भक्त भतीजे पर आई ना कोई आज। चैत्र मास की प्रथमा को सब मिल करते हुड़दंग। चैत्र मास की प्रथमा को सब मिल करते हुड़दंग। नाचते गाते खुशी मनाते मिल गले लगाते रंग। नाचते गाते खुशी मनाते मिल गले लगाते रंग। बैर भाव को दूर कर, बैर भाव को दूर कर प्रेम पूर्वक मढ़ते हैं रंग। बैर भाव को दूर कर प्रेम पूर्वक मढ़ते हैं गुलाल।
स्वादिष्ट पकवान का लुप्त उठाते, स्वादिष्ट पकवान का लुप्त उठाते, ये में रहता नहीं कोई मलाल, ये में रहता नहीं कोई मलाल। हर्षित प्रकृति भी नृत्य करती होती प्रतीत, हर्षित प्रकृति भी नृत्य करती होती प्रतीत, हर उत्सव देता संदेश, हर उत्सव देता संदेश, सदा सुकर्म की होती जी, सदा सुकर्म की होती जी, सदा सुकर्म की होती जी। धन्यवाद। क्या बात है कंचन जी, आपने तो बड़े सुंदर शब्दों में पूरी होली की कथा जो थी वो बयान की, बड़ी खूबसूरती। ऐसा है, मैं कुछ छोटी कथाओं कभी कभी मिल जाती तो बच्चों को निबंध लिखने के लिए दिया जाता, तो जानते ही नहीं कि क्या होता है फागुन मास, क्या होता है जंग, बस लिख देते हैं पकवान अच्छे अच्छे बनते हैं, ऐसे खा लेते हैं। दीपावली पर भी दिया जाता है, अक्टूबर में दीपावली मनाई जाती है, पकवान बनते, मम्मी अच्छा अच्छा पकवान बनाती, इसलिए मैंने इस तरह लिखने का प्रयास किया। फिर हम शिक्षकों का दायित्व हो जाता है कि उनको अपनी संस्कृति से हम परिचित कराएं। माध्यम कविता सबसे अच्छा माध्यम है, तो बड़ी खूबसूरती से आपने ये कहानी पिरोई अपनी कविता में। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि गोपियों के षड्यंत्र चल रहे हैं, उनकी बातें एक के बाद क्या करना है, पहले बुला लिया कि आइयो आइयो रे कन्हैया नंदलाल, अब जब रसिया आ गया है तो देखिए आपस में कैसे बात कर रही कि देखो रसिया जब पौरिन पे आएगा तो हमको क्या करना है। देखिए बड़ी खूबसूरती से कि रसिया आयो तेरे द्वारे खबर की जो, रसिया आयो रे, रसिया आयो तेरे द्वारे खबर की जो, रसिया आयो रे, जब रसिया तेरी पौरिन आवे प्यारी, जब रसिया तेरी पौरिन आवे प्यारी, भरी भरी थारी मोहर दी जो, रसिया आयो रे, अरी भर भर थार मोहर दी जो, रसिया आयो रे। कैसे बना रही है बातें कि जब ऐसा आएगा ना तो हम लोग ऐसा करेंगे, जब पास में आएगा तो हम बहुत सारा गुलाल डाल देंगे उसके ऊपर, तो सारी मंत्रणाएं चल रही है बड़ी खूबसूरती के साथ में। और मैं अपनी अगली साथी को बुलाने जा रही हूं कि कहीं पड़े ना मोहब्बत की मार होली में, कहीं पड़े ना मोहब्बत की मार होली में, अदा से प्रेम करो दिल से प्यार होली में। तो उस प्यार को अभिव्यक्त करने अब आ रही है अंजू छारिया जी आपके बीच में। स्वागत है आपका अंजू जी। स्वागत है, बहुत बहुत इतना प्यारा और खूबसूरत संचालन राखी जी, इतने प्यार से हमें बुलाया, बहुत अच्छा लगा। नमन मंच सभी मित्रों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के होली से सरोवर सबको देख रही हूँ, काफी खूबसूरत खूबसूरत रचनाएं प्रस्तुत हो रही है। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी, कोशिश की है कहने की, देखे रंग रंगीली आई होली खूब मचो हुड़दंग, रंग रंगीली आई होली खूब मचो हुड़दंग, मतवारी सी झूम उठी मैं मस्त चढ़ी मोहे भंग, रंग रंगीली आई होली खूब मचो हुड़दंग, मतवारी सी झूम उठी मैं मस्त चढ़ी मोहे भंग, खूब मारी पिचकारी काना खेलो मोरे संग, खूब मारी पिचकारी काना खेलो मोरे संग, खूब आज दिल नाचे गाए खेलो मस्त मलंग, खूब मारी पिचकारी काना खेलो मोरे संग, खूब आज दिल नाचे गाए खेलो मस्त मलंग, फूल अरु केसर घोल पिया बनवाए कितने रंग, फूल अरु केसर घोल पिया बनवाए कितने रंग, अंग अंग मुस्काए मेरा तिरके सारे अंग, अंग अंग मुस्काए मेरा तिरके सारे अंग, फूल अरु केसर घोल पिया बनवाए कितने रंग, अंग अंग मुस्काए मेरा तिरके सारे अंग, रंग गुलाल के बादल छाए इंद्रधनुष से रंग, रंग गुलाल के बादल छाए इंद्रधनुष से रंग, झांझर ढोल मजीरा बाजे बाजे चंग मृदंग, झांझर ढोल मजीरा बाजे बाजे चंग मृदंग, रंग गुलाल के बादल छाए इंद्रधनुष से रंग, झांझर ढोल मजीरा बाजे
बाजे चंग मृदंग, ग्वाल बाल और सखी सहेली खेलो रंग मधुरंग, ग्वाल बाल और सखी सहेली खेलो रंग मधुरंग, हुई बावरी प्रीति में तोरी मन में उठे उमंग, हुई बावरी प्रीति में तोरी मन में उठे उमंग, ग्वाल बाल और सखी सहेली खेलो रंग मधुरंग, हुई बावरी प्रीति में तोरी मन में उठे उमंग, प्रेम फुवारों से प्रिय तुम रंग दो सारे अंग, प्रेम फुवारों से प्रियतम तुम रंग दो सारे अंग, आ जाना इस बार कन्हैया लिए मिलन का रंग, आ जाना इस बार कन्हैया लिए मिलन का रंग, बरसाने में होली में हो लठा मार सी जंग, बरसाने में होली में हो लठा मार सी जंग, रसिया हस हस लाठी खाए छेड़े उठे उचंग, रसिया हस हस लाठी खाए छेड़े उठे उचंग, इंतजार हो खत्म प्रिय अब हो जाओ एक अंग, इंतजार हो खत्म प्रिय अब हो जाओ एक अंग, बरसे अबके होली जैसे हो जाए नवरंग, बरसे अबके होली जैसे हो जाए नवरंग, जित देखू उत राधे कृष्णा गोपी ग्वाला संग, जित देखू उत राधे कृष्णा गोपी ग्वाला संग, हर्षित देव देवता सारे भोले बाबा संग, हर्षित देव देवता सारे भोले बाबा संग, रंग रंगीली आई होली खूब मचो हुड़दम, मतवारी सी झूम उठी मैं मस्त चढ़ी मोहि भंग। वाह वाह वाह, क्या बात है अंजू छारिया जी। और जो आपकी प्रस्तुति में जो विशेष तरह के साज बजाए जाते हैं होली पर, चंग है, मृदंग है, ढोल है, ढप है, ये इनका अपना अलग ही महत्व है। और जैसा मैं कह रही थी ना कि कान्हा और रसिया को बुलाया है और गोपियां जो हैं आप देखिए कैसे कैसे वर्णन कर रही हैं, कहती हैं कि ढप बाजियो है छेल मतवारे को, ढप बाजियो है, अरे ढप बाजियो है छेल मतवारे को, ढप बाजियो है, ढप की लरज मेरो सब घर हालो, ढप की लरज मेरो सब घर हालो, हालो है खंब तिबारे को, ढप बाजो है, अरे हालो है खंब तिबारे को, ढप बाजो है। तो ढप जब बजा रहे हैं कान्हा और उनकी टोली तो घर के जो खंबे हैं वो भी हिल रहे हैं, और वो उत्साह और उमंग की बात है। तो हमसे नजर मिलाइए, होली का रोज है, हमसे नजर मिलाइए, होली का रोज है, और भांग अबीर गुलाल मिलाइए, होली का रोज है। तो देखिए किस तरह से सारी चीजें जब मिलके एक हो जाती हैं, जब सबके रंग एक ही धरातल पर उतर आते हैं तब होली होती है। मैं बुलाने जा रही हूं अपनी साथी कामायनी संजय जी को कि कृपया काव्य पाठ प्रस्तुत करें। कामायनी जी स्वागत है आपका। स्वागत मैम, मेरी आवाज क्लियर है जी? बहुत अच्छी आ रही है। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को, होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैंने एक, मतलब मैं प्रेम गीत लिखती नहीं हूँ, एक नया प्रयोग था, मैं वही सुनाना चाहती थी आप लोगों को, लेकिन राखी मैम ने जो एक के बाद एक जो ब्रज की होली के जो रंग प्रस्तुत कर रही हैं, तो मेरा भी मन अब वही कर रहा है कि मैं भी कुछ वैसा ही आप लोगों को सुनाऊं। तो स्वागत है मैम। वो कार्यक्रम स्थगित और मैं भी एक ब्रज की ही होली गाती हूँ आप लोगों के लिए। स्वागत 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 है। रंग डारो सवरिया रे, रंग डारो सवरिया रे, रंग डारो सवरिया रे, रंग डारो सवरी हारी। क्या बात है। हे मोरी को
मैं तो हो गई बावरिया रे, रंग डारो सवरिया रे, रंग डारो सवरिया रे, चित से उतरी मैं तेरी वो सावरी सूरत, मन में आई भरो सांस था मेरा, दसे मोहने मुरतिया रे, दसे मोहने मुरतिया रे, रंग डारो सवरिया रे, रंग डारो सवरिया रे, नैया बीच भवरे है अंधेरा घना, कोई साथी नहीं पढ़ूं तेरी पैया, थाम लो मोरी बैया रे, थाम लो मोरी बैया रे, रंग डारो सवरिया रे, रंग डारो सवरिया रे, रंग डारो सवरिया रे, रंग डारो सवरिया रे। बहुत सुंदर करें, बहुत सुंदर कमाई, धन्यवाद। और इतने मधुर गायन के साथ जब निवेदन होगा तो सावरिया तो रंग डालेंगे ही डालेंगे, बहुत सुंदर। बिल्कुल मैम, मैंने सेट किया था गाना कुछ और, लेकिन जब आपके मतलब एक के बाद जो सुन रही थी मैं कृष्ण प्रेम के गीत, तो फिर मेरा मन हुआ कि मैं भी कुछ वैसा ही प्रस्तुत करूं। यही तो बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुत है, प्रीत मैडम यही बोली। बहुत अच्छा रहा कामिनी जी, आपके लिए बदलाव बहुत अच्छा रहा। दरअसल जो गायन है और जो सरसता है वो इन्फेक्शियस होती है, संक्रामक होती है, एक से दूसरे तक पहुंचती है और पहुंचनी भी चाहिए, और उसी के साथ में सकारात्मकता स्वतः ही जुड़ जाती है उसमें। तो ये जो परिवर्तन था बड़ा सुखद परिवर्तन था, और जैसे कि मैं बोल रही हूँ बार बार की गोपियां एक बार आमंत्रित कर रही हैं कृष्ण को, और फिर शिकायतों का दौर भी शुरू कर रही हैं। देखिए, एक होली एक ऐसा त्योहार है कि उर्दू कवियों ने सबसे ज्यादा लिखा है, आपने बहुत सुना, नजीर साहब ने तो बहुत ज्यादा लिखा है सभी त्योहारों पे, लेकिन उर्दू में बहुत ज्यादा लिखा गया है। होली के जो फागोत्सव है, जो उसकी खूबियां हैं वो सब बयां की हैं, कि जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारे होली की, जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारे होली की, और दब के शोर खड़कते हो तब देख बहारे होली की। नजीर साहब क्या लिखते हैं, ऐसा लगता है आंखों के सामने एक रेखा चित्र जैसा खींचता चला आ रहा है। अब देखिए, रसिया आ गया, ढप बज गया, अब शिकायतों का दौर, कि मत मारो द्रगन की चोट रसिया, होरी में मेरे लग जाएगी, मत मारो द्रगन की चोट रसिया, होरी में मेरे लग जाएगी, तू तो रिझो मेरी लटक चाल पे, तू तो रिझो मेरी लटक चाल पे, मेरी झी तेरी अलकन पे, चलो अयो रे, चलो अयो रे श्याम मेरी पलकन पे, चलो अयो रे। कभी पलके बिछा रही है स्वागत में और कभी शिकायतों के दौर, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। कहते हैं ना कि ख्याल आया जब अपनों का तो रफ्ता याद आए, कभी ताने कभी शिकवे कभी रूठे हुए चेहरे। तो जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उन्हीं से शिकायतों का दौर करते हैं। अब इसी क्रम में मैं बुलाने जा रही हूँ अपनी मित्र आभा चौहान जी को, कि वो अपने एक सरस से गीत के साथ में मंच पर आए। आभा चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका संचालन ही इतना सुंदर है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं कुछ सुनाऊं, ऐसा लग रहा है कि आपको ही सुन के जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार सुंदर थी, होली का रंग जम चुका है, तो जब होली की बात हो और कृष्ण भगवान को याद ना किया जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा मैं भी उन्हें याद कर लेती हूँ, तो एक गीत कृष्ण और राधा का ही सुनाना चाहूंगी आपको। कान्हा की ऐसी मारी पिचकारी,
कान्हा ने मारी पिचकारी की भीग गई राधा की साड़ी। कान्हा ने मारी पिचकारी की भीग गई राधा की साड़ी। डर के रंग है वो मुस्काए, चुपके से राधा के पीछे आए। बात न समझे अनारी की भीग गई राधा की साड़ी। बात न समझे अनारी की भीग गई राधा की साड़ी। मुट्ठी में दोनों गुलाल भरा है, रंग से लिपटा सारा चेहरा है। पीछे से राधा को मला गुलाल, ऐसे है देखो यशोदा के लाल। मैया यशोदा बलिहारी की भीग गई राधा की साड़ी। मैया यशोदा बलिहारी की भीग गई राधा की साड़ी। भर भर के देखो पीते हैं भंग, चारों ओर उड़ा रहे रंग। साथ है उनके ग्वालों की टोली, खूब मजे से खेले है होली। देखो अनोखी यारी की भीग गई राधा की साड़ी। देखो अनोखी यारी की भीग गई राधा की साड़ी। नदी से भर भर पानी लाते, नीला पीला रंग मिलाते। रंग के पानी को सब पे उड़ाते, कपड़े भिगो कर है छुप जाते। प्रेम के बड़े पुजारी की भीग गई राधा की साड़ी। प्रेम के है वो पुजारी की भीग गई राधा की साड़ी। वाह वाह वाह, खुश होती यशोदा, लाल है पाया उसने अनोखा। सबके साथ रचाता है रास, मेरा कन्हैया बड़ा ही खास। बातें करे बड़ी प्यारी की भीग गई राधा की साड़ी। बातें करे बड़ी प्यारी की भीग गई राधा की साड़ी। गाना करे राधा को इशारा, बड़ा ही सुंदर है ये नजारा। होली में सबको गले लगा लो, प्रेम से तुम भी होली मना लो। सीखो कन्हैया से यारी की भीग गई राधा की साड़ी। गाना ने मारी पिचकारी की भीग गई राधा की साड़ी। गाना ने मारी पिचकारी की भीग गई राधा की साड़ी। बहुत सुंदर राधा जी, आवाज ही बहुत बहुत प्यारा, बहुत सुंदर गीत और बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुत किया। आवाज भी इतनी स्वीट, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही बिल्कुल बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबका प्यार है कि मतलब सुनाने सुनाने को मन करता है और सुनने का भी मन करता है। हाँ, ये तो सच है कि मंच तो बहुत सारे हैं, पर जो दिली रिश्ता हम लोग का कायम हो चुका है इस हिंदी शिक्षण मंच पे, उसके लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास में। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति का श्रेय जो है तिलोकनाथ सर को जाना जाता है कि उन्होंने इतने सुंदर सुंदर मोती ढूंढकर ये माला बनाई है। ये माला बहुत ही खूबसूरत है और ऐसी ही रहेगी हमेशा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का प्यार है और साथ है, निश्चित तौर पे आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। आभा जी, आपने जो बात कही कि भीग गई राधा की साड़ी, ये राधा जी और उनकी सखियां जो साथ में हैं, उनमें ये चातुर्यता है। वो क्या करती हैं, पहले बुलाती हैं आइयो आइयो रे कन्हैया नंदलाल रंगीली होली में, और फिर शिकायतें करती हैं कि कान्हा इतनो रंग न डारो मेरी भीज रही चुंदरिया। कान्हा तेरे नटखटपन से जी होता है तंग, काना तेरे नटखटपन से जी होता है तंग। अब तो तोसे कभौ ना बोलू मन में यही उमंग, काना इतनो रंग ना डारो। राधा जी भी जो है किस तरह से बात करती है, तो कान्हा जी क्या कहते हैं कि राधे तुम बिन चैन ना आए, राधे तुम बिन चैन ना आए, इसी से करते तंग। देख के मेरी रुसवाही हो जाओगी दंग, कान्हा इतनो रंग ना डारो मेरी भीज रही चुंदरिया। प्रेम जो है, जब भी हम राधा और कृष्ण के प्रेम को देखते हैं,
तो एक जो पावन रिश्ता हमें दिखाई देता है वो प्रेम के जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी कोण हैं, उन सब में वो बड़े विस्तृत रूप में बड़ी समग्रता के साथ छा जाता है हम लोगों के मन में। और अब मैं बुलाने जा रही हूँ अपनी साथी अर्चना खंडेलवाल अर्ची जी को, जिनकी विशेषता है उनकी सौम्यता और उनकी सहजता। अर्चना जी स्वागत है आपका, कि कहीं अबीर की खुशबू कहीं गुलाल का रंग, कहीं अबीर की खुशबू कहीं गुलाल का रंग, कहीं पे शर्म से सिमटे हुए जमाल का रंग। तो वो सिमटे हुए शर्म से जमाल का रंग पेश करने जा रही हैं अर्चना खंडेलवाल जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। स्वागत है अर्चना जी, स्वागत मैडम। अर्चना जी अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं अर्चना जी। मैं होली की शुभकामनाएं देते हुए इस नशीले समा में अपनी कुछ चंद पंक्तियां पढ़ूंगी, कि दिल से मंगल कामनाएं हैं होली, तमन्ना है सब स्वस्थ रहें, खुश रहें होली में, रिश्तों में सुगंध रहे, सब हिलमिल रहें इस होली में, धरा की छठा बना रखें, प्रकृति का संवर्धन करें इस होली में, मस्ती भरी फगुनाई खेलें रंगीली रसीली होली में, राधा काना की प्रीत होली याद रहे हर होली में, वैमनस्यता का दमन हो, मानवता का सौहार्द रहे हर क्षण हर होली में, हर होली में। और राखी जी ने जो ये टाइटल दिया है, कि बता रही थी रसिया को लेके दिया है रंग दई, इतना अच्छा लगा मुझे भी कि मैंने तुरंत ताजा गीत सुषमा जी को भेजा कि मैंने भी इस रंग दई शब्द के ऊपर ही कुछ लिख डाला है। स्वागत है मैम। अरे रे मोहे रंग दई लाल गुलाल, मैं कैसे जाऊं पनघट, अरे रे मोहे रंग दई लाल गुलाल, मैं कैसे जाऊं पनघट, मैं कैसे जाऊं पनघट, मैं कैसे जाऊं पनघट, अरे मेरो पकड़ लियो है हाथ, मैं कैसे जाऊं पनघट, मेरे रंग दई लाल गुलाल, मैं कैसे जाऊं पनघट, मैं लाज की मारी ठाड़ी, मेरी भीगी चूनर साड़ी, मैं लाज की मारी ठाड़ी, मेरी भीगी चूनर साड़ी, अरे मेरे खेच दियो सरकाए आनन पे डारो घूंघट, अरे मेरो खेच दियो सरकाए आनन पे डारो घूंघट, मोए रंग दई लाल गुलाल, मैं कैसे जाऊं पनघट, जोरा जोरी बर जोरी मोरी बैया दे मरोरी, अरे जोरा जोरी बर जोरी मेरी बैया दे मरोरी, अरे मैं तो भाग गई हूँ हार कमर पे मटकी डारे, अरे मैं तो भाग गई हूँ हार कमर पे मटकी डारे, अरे मोए रंग दई लाल गुलाल, मैं कैसे जाऊं पनघट, प्रीत की रीत निराली मोहे भावे सुन ए आली, अरे प्रीत की रीत निराली मोहे भावे सुन ए आली, राधा पल पल बाट निहारे कान्हा की सुन के आहट, अरे राधा पल पल बाट निहारे कान्हा की सुन के आहट, मोए रंग दई लाल गुलाल, मैं कैसे जाऊं पनघट, बंशी की सुन के ताने और मगन हुई ब्रज नारी, बंशी की सुन के ताने
अरे मगन हुई ब्रज नारी, अरे मैं तो नाचू दे दे तार, मोहे रंग गयो नठ कठ लाला, अरे मैं तो नाचू दे दे तार, मोहे रंग गयो लाला नठ कठ, अरे मोहे रंग दई लाल गुलाल, मैं कैसे जाऊं पनघट, अरे मेरो पकड़ लियो है हाथ, मैं कैसे जाऊं पनघट, मैं कैसे जाऊं। बहुत सुंदर रचना जी, पूरा माहौल आपने गायकी बना दिया अपनी गायकी से। आपके शीर्षक ने नया गीत रंग दी रचना जी, आपने तो हम सबको रंग दी। बिल्कुल ये रंग दई में ही हो गया नया गीत की रचना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें मुझे लग रहा है अर्चना जी फ्रीज हो गई, उनका खत्म नहीं हुआ था, फ्रीज हो गई है लग रहा है। हाँ, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण और बहुत सुंदर गायकी अर्चना जी, आपने जिस उत्साह और उमंग तरंग के साथ ये गीत प्रस्तुत किया तो मुझे भी याद आ गया कि बड़ी गालियां देगा फागुन का मौसम। कभी कभी कहती है ना कि गाली भी बड़ी मीठी लगती है, कि बड़ी गालियां देगा फागुन का मौसम अगर आज ठट्टा ठिठोली न होगी। और होली में ठट्टा और ठिठोली तो होती ही है, वहीं से शुरुआत हो जाती है कि रंगों में हम सब पूरी तरह से घिर जाते हैं। अब देखिए क्या शिकायत कर रही है, खेलने को बुलाया, खेल रहे हैं कि मेरी चुनरिया भी गोदी। अब क्या शिकायत करी एक सखी दूसरे से कि गिरधर ने मोए गारी, दही पिचकारी, दही होरी खेली ना जाए, दैया खेली ना जाए। गिरधर ने मोए गारी, दही पिचकारी, दही होरी खेली ना जाए, दैया खेली ना जाए। फागुन के दिन दोनों दोनों हर्ष है, फागुन के दिन दोनों दोनों हर्ष है। सालिग्राम कौन यहे भर जाए, पनघट सौ घर लो, बतराए घर लो, बतराए होरी खेली ना जाए, दैया खेली ना जाए। तो ये रसिया पनघट से लेके घर तक बातें करता है, बतलाता है, और उसके बातें करने में जो आनंद है, उस आनंद से मैं आपका तारुफ कराने जा रही हूँ, आवाज देने जा रही हूँ सर त्रिलोकनाथ जी को, कि आप आए और अपने बातों के आनंद में हम सबको डुबोले। स्वागत है सर आपका। स्वागत है, स्वागत है सर। मैं चुपचाप से सुनने में गुम था, या यूं कहूं गुमसुम था, खोया हुआ था। अद्भुत प्रस्तुतियां, सच कहूं तो सुनने को दिल करता है सुनाऊं क्या आज, परंतु होली है, बुरा ना मानो, कुछ ना कुछ तो सुना के जाऊंगा आज। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मौसम जो है वो अंदर तक कहीं ना कहीं झंकृत कर देता है हमें। रंग बेरंग अगर जिंदगी हो तब रंग की महत्ता समझ में आती है, और जब रंग ही रंग हो तो बेरंग क्या है, कुछ ना कुछ तो निश्चित तौर पे कह जाती है। साथियों, एक छोटी सी कविता जो है आप तक मैं पहुंचाना चाहूंगा, और इसको मैं हमेशा गाता हूं, कल भी गाया था, आज भी गाऊंगा, क्योंकि बहुत स्वागत है सर करीब है। आइए गौर फरमाइए, थोड़ा सुनते चलिएगा, कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा, फिर उसके बाद जो है आगे लेकर चलूंगा आपको। पंक्ति कुछ इस प्रकार से है, गौर फरमाइएगा। होली आई, होली आई, रंग उड़ाती होली आई, होली आई, होली आई, रंग उड़ाती होली आई, तुम भी गुलाल उड़ाओ, बैर द्वेष भूल जाओ, होली में हम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। होली आई, होली आई, रंग उड़ाती होली आई, होली आई, होली आई, रंग उड़ाती होली आई, आकाश देखो हुआ है रंगीला, धरा पर भी लाली है आज छाई, चेहरा हुआ सब रंग बिरंगा, दिलों में सबकी खुशियां है छाई,
होली आई रंग उड़ाती होली आई रंग उड़ाती होली आई तुम भी गुलाल उड़ाओ बैर द्वेष भूल जाओ होली में हम भाई भाई हिंदू मुस्लिम सिख उड़ाई रंगों से अब रंग मिले हैं रंगों से अब रंग मिले हैं जात पात की नहीं है खाई रंगों से अब रंग मिले हैं जात पात की नहीं है खाई सब मस्त हो झूम रहे हैं सब मस्त हो झूम रहे हैं गा रही हैं कलियां सारी क्या गा रही हैं होली आई क्या बात है होली आई होली आई रंग उड़ाती होली आई तुम भी गुलाल उड़ाओ बैर द्वेष भूल जाओ होली में हम भाई भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होली आई रंग उड़ाती होली आई होली आई रंग उड़ाती होली आई आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं क्या बात है सर देखिए ये शिक्षक जो है ना वो किसी भी बच्चे के लिए वो एकता और प्रेम की बात देंगे आपने बड़ी खूबसूरती से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को मिलाने की बात कही बड़ी सुंदर तरीके से मुबारक हो सर और एक अलग एक अलग एक अलग अंदाज में सुनाया हो और होली हो और बच्चे न गाएं साथ में और आज तो कहते हैं कि रैप का समय है तो बीच बीच में रैप भी हो जाती है बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, जी बिल्कुल बहुत ही सुंदर सृजनात्मकता से परिपूर्ण आपका गीत था और सब झूम रहे थे मैं देख रही थी मंच पे हर व्यक्ति जो था आनंदमय हो रहा था तो जब शिकायतें कर रही हैं कि हमको होली का रंग डाल रहे हैं लेकिन जब कान्हा आ रहे हैं तो देखिए किस तरह की तरकीबें अपनाई जा रही हैं देखिए राधा जी क्या कहती हैं कि होरी खेलन आयो श्याम आज आए रंग में बोरोरी होरी खेलन आयो श्याम आज आए रंग में बोरोरी कोरे कोरे कलस मंगाए के केसर घोरोरी मुख पे केसर मलो कलो कारे से गोरोरी होरी खेलन आयो श्याम आज आए रंग में बोरोरी और बांसुरी से कितनी जलन है कि हरे बांस की बांसुरी आ जाए तोर मरोरोरी हरे बांस की बांसुरी आ जाए तोर मरोरोरी हा हा खाए के करे बीन दी तब आए छोरोरी होरी खेलन आयो श्याम आज जाए रंग में भोरोरी कितने प्रतीक्षा कर रही है कि हा हा खा के हमसे निवेदन करे तब इनको छोड़ना इतना तंग करो इतना परेशान करो कि ये सब भूल जाए होली खेलना तो इस तरह के प्यार भरी संवादों में किसका जी नहीं लगेगा बड़े सुंदर है ये गीत और बड़ा सुंदर है वो समस्त वातावरण जिसमें सिर्फ प्रेम और प्रेम है मैं बुलाना चाहती हूँ एक बार फिर से अपनी सखी सुदामी यादव जी को कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करे स्वागत है सुदामी जी आपका स्वागत है मैम स्वागत हिंदी शिक्षण मंच को नमन और इस मंच पे सभी हमारे साथ जितने भी कवि गण हैं सभी अपने को म्यूट कर लें आगे दोनों भी समान दीजिएगा आवाजें आ रही हैं अंदर से हाँ एक बार ऑडियो चेक कर लीजिए मैडम आवाज नहीं जा रही है अब ठीक है अब ठीक है अब ठीक है अभी ठीक ओके ओके जी जी अब ठीक है हाँ तो हिंदी शिक्षण मंच से एक बार पुनः मैं जो है सभी का अभिनंदन करती हूँ और होली की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ जितने भी हमारे श्रोता दर्शक जुड़े हुए हैं सभी को ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं या होली सभी के जीवन में सुख शांति स्वास्थ्य लाए और राखी जी को बहुत बहुत बधाई इतने सुंदर संचालन के लिए सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि समय सीमा का भी ध्यान रखना है तो मैं अपनी कविता मैं न तो ब्रज के रंग में रंग रही हूँ न तो अवध की होली मना रही हूँ मैं हिंदी शिक्षण मंच की
विशेष होली मनाऊंगी, और अगर कुछ त्रुटियां हो तो क्षमा चाहूं पहले से ही। भाग का रंग चढ़ा है सब पर, भाग का रंग चढ़ा है सब पर, पीकर प्रेम का कवियों की आई है टोली, खेलने कविताओं की होली। भाग रंग चढ़ा है सब पर, पीकर प्रेम का भंग, कवियों की आई है टोली, खेलने कविताओं की होली। जगीरा सारा रा रा रा, जगीरा सारा रा रा रा, कोई जुड़ा महाराष्ट्र से, कोई जुड़ा महाराष्ट्र से तो कोई राजस्थान से, अरे कोई यूपी बिहार से तो कोई है बंगाल से। गिरा सारा रा रा रा, गिरा सारा रा रा रा, ना है अब दूरी का अंतर, ना है अब दूरी का अंतर, ना ही जाति धर्म का भेद है, ना है अब दूरी का अंतर, ना ही जाति धर्म का भेद है। जगीरा सारा रा रा रा, जगीरा सारा रा रा रा, भाग के रंग में रंग कर सारे, भाग के रंग में रंग कर सारे, अब हुड़दंग मचाते हैं, गाकर फगुआ की कविताई, अपना प्रेम दिखाते हैं, गाकर फगुआ की कविताई, अपना प्रेम दिखाते हैं। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, त्रिलोकीनाथ और ऋषि जी मिलकर, त्रिलोकीनाथ और ऋषि जी मिलकर साहित्य प्रेम दिखलाते हैं। हिंदी शिक्षक मंच पर खूब धमाल मचाते हैं। जगीरा सारा रा रा रा, जगीरा सारा रा रा रा, होली के इस पावन पर्व पर, होली के इस पावन पर्व पर नेह का रंग लगाते हैं। मेल जोल और प्रेम का रंग जन जन तक पहुंचाते हैं। जगीरा सारा रा रा रा, जगीरा सारा रा रा रा। अब आगे की पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ आप लोगों को, जो होली का उद्देश्य है उसे मैंने अपने शब्दों में बांधा रखती हूँ। होली है भाई, होली है जीवन की यह होली है, होली का मतलब प्यार मोहब्बत, होली का मतलब प्यार मोहब्बत, और होती मन की खुशियां। होली कहते पैर मिटाओ, जन जन से तुमने लगाओ, होली कहती है बैर मिटाओ, जन जन से तुमने लगाओ, भ्रष्टाचार मिटा कर तुम एक दूजे से प्रेम बढ़ाओ। होली नहीं मोहताज किसी की, ये तो हरदम साज बने, जाति धर्म देश काल की कभी नहीं परवाह करे, जाति धर्म देश काल की कभी नहीं परवाह करे, प्रेम त्याग मानवता से भर कर सभी दिलों पर राज करे, सभी दिलों पर राज करे। प्यार मोहब्बत की खुशियां अब तो हम दिखला सकते हैं, बिना रंग पिचकारी के भी हम तो होली मना सकते हैं। हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। सकते हैं, होली है, होली है भाई, होली है भाई, होली है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार, बहुत खूब, होली है। किसी के माइक से कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है जी, शायद। हाँ,
हम आगे संचालन जारी रखेंगे। बहुत बहुत सुंदर सुनाली जी आपकी प्रस्तुति रही। कृपया माइक म्यूट कर लें क्योंकि वो डिस्टर्बेंस लगातार आ रहा है। धन्यवाद। अर्चना मैम का माइक खुला रह गया शायद। हाँ अब ठीक है, उन्होंने बंद किया है। धन्यवाद अर्चना जी। तो अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ वो अदायगी, वो नखरे, वो शरारते, वो सब कुछ उनके अंदर है। और मैं उनसे यही कहूंगी कि आज खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, आज खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, घेर लई सब गली गली जी, छाए रही सब छटा छबीली, ढप ढोल मृदंग बजाए हैं बंसी की घनघोर, आज खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, और सखियन ने पकड़े गिरधारी, नर से श्याम बनाए दिए नारी, नर से श्याम बनाए दिए नारी, पट लहंगा पहराए हैं गह सखियन बर जोर, आज खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। तो नटवर नंद किशोर जी को जबरदस्ती नार बनाने का साहस कर सकती है मेरी सखी रिंकी जी। रिंकी जी आपको बुला रही हूँ, स्वागत है आपका। स्वागत स्वागत स्वागत। धन्यवाद राखी, धन्यवाद। सच में त्रिलोक सर जी ने जो कहा कि कुछ सुनाने का क्या मन करता है, बस आपने ऐसा मंत्र कर दिया है यहाँ पे, जादू फैला दिया कि बस आपको सुनने की ही इच्छा रह रही है और लग रहा कि बस आपको सुनते ही जाए। तो सर्वप्रथम हिंदी शिक्षण मंच को नमन, और यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे प्रतिभागी और जितने भी हैं यहाँ पर कवि मित्र, सभी को मेरा होली का सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं भी कुछ प्रयास करती हूँ। आज का माहौल इतना सुंदर हो चुका है कि अब अपने शब्दों में कुछ रखने का प्रयास करती हूँ, देखती हूँ कहाँ तक सफल हो पाती हूँ। स्वागत है। तो जी हाँ, रंगों का त्योहार है तो मेरी कविता भी कुछ इस तरह है, रंगों का त्योहार। आए जब रंगों का त्योहार, चढ़े सब पर रंगों का बुखार, आए जब रंगों का त्योहार, चढ़े सब पर रंगों का बुखार, नीला पीला गुलाबी हरा, नीला पीला गुलाबी हरा, सारा जग रंगों में भरा, सारा जग रंगों में भरा, खिल उठे वृक्षों में पलास, खिल उठे वृक्षों में पलास, जिन्हें देख मन में जगे नई आश, जिन्हें देख मन में जगे नई आश, इठलाए अमलतास, इठलाए अमलतास, भरे मन में उल्लास, आई होली रंग बिरंगी, आई होली रंग बिरंगी, आई होली, मस्ती में खोते अपना होश, मस्ती में खोते अपना होश, ये फागुन का है जोश, ये फागुन का है जोश, हाथों में लिए पिचकारी, एक दूसरे पे किया मारा मारी, हाथों में लिए पिचकारी, एक दूसरे पे किया मारा मारी, नाच रहे सब द्वार द्वार,
नाच रहे सब द्वार द्वार, आपस में गले मिले हुए सब एक सार, आपस में गले मिल सब हुए एक सार। राधा संग कान्हा की होली, राधा संग कान्हा की होली, धूम मचाई भक्तों की टोली, धूम मचाई भक्तों की टोली। प्रेम संग गुलाल खेलो, प्रेम संग गुलाल खेलो, जो खो गई थी हंसी ठिठोली। ध्यान दीजिएगा, दो वर्षों के बाद होली, जो खो गई थी कहीं हंसी ठिठोली, स्नेह की अबीर गाओ, एक दूजे के रंग में रंग जाओ, प्रेम से अबीर लगाओ, एक दूजे के रंग में रंग जाओ। आई होली रंग बिरंगी आई होली, सतरंगी बौछारे आई धारे इंद्र धनुष लाई, सतरंगी बौछारे आई धारे इंद्र धनुष लाई, दही बड़े के चटकारे लगाए, गुजिया ने भी कतार लगाई, दही बड़े के चटकारे लगाए, गुजिया ने भी कतार लगाई। आई होली रंग बिरंगी आई होली, आए जब रंगों का त्योहार, चढ़े सब पर रंगों का बुखार। धन्यवाद आप सभी को होली की बहुत बात जी। वाह वाह वाह, रिंकी रिंकी कान्हा आ ही जाएंगे, इतना सब मीठा मीठा परोसोगी दही बड़े, वो कहीं बन जाऊंगा, पर मुझे और कान्हा की सब तकिया भी आ जाएंगी, सब आ जाएंगी। कलकत्ता में ही रहते हैं, अभी पहुंच जाएंगे। मैं आ रही हूँ रिंकी, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। तारीफ ये कॉपी कॉपी करेक्शन के साथ में इन्होंने गीत लिख लिया है, अभी कॉपी करेक्शन कर रहे हैं। अर्चना जी, ये तो हमारे हिंदी शिक्षण मंच का कमाल है कि हम बिल्कुल सही बात है। बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत प्यार मिलता है इस मंच से, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हकदार हैं इस प्यार की, आप हैं ही प्यारी, क्या किया। हाँ बिल्कुल, आप हकदार हैं और आपको भरपूर प्यार मिलेगा ही। और अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ उनके लिए चंद पंक्तियाँ, कि कहाँ छिटके सब सखा तुम्हारे, बाहर आओ मोहन प्यारे, ढप बजने दो रंग उड़ने दो, अब क्यों देर लगाए रसिया। और अब और देर मैं नहीं लगाऊंगी, मैं बुलाने जा रही हूँ आदरणीय सुषमा रजनीश जी को, जिनकी सौम्यता उनकी विशेषता है, और जैसे हर उपाय मिल जाता है वैसे ही होली के भी उपाय उन्हें मिल जाते हैं उनके गीत के माध्यम से। आज हम राधा कृष्ण के प्रेम को यहाँ पे रूपायित होता हुआ देखेंगे। आदरणीय स्वागत है आपका। स्वागत मैडम, धन्यवाद राखी, सुंदर संचालन। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का माहौल हो गया कि मैं हर गीत के साथ, जिसे जिस गीत को पहले सुना भी नहीं था, मतलब जो मेरे साथियों ने आज प्रस्तुत किए अपनी रचनाएं, उसके साथ साथ मैं भी गाती चली गई। गनीमत मैं म्यूट पे थी, नहीं तो बड़ा डिस्टरबेंस होता, पर एक आध जगह शायद अनम्यूट भी हो गई थी। और बहुत सुंदर राखी जी आपके गीत, पूरा जैसे माहौल गीतमय हो गया। होली तो रंगमय है ही है, होली गीत संगीत का जो स्थान है वो भी अपना बिल्कुल अनूठा है, पर उसके साथ इस मंच को जिस तरह से आज सजा लिया गया, ये बहुत खूबसूरत है।
तो मैं इसके लिए त्रिलोक जी का धन्यवाद देती हूँ, इस मंच को धन्यवाद देती हूँ, और साथ में जो हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, इसको अपना समझकर जो हमेशा हमारे साथ हैं, उन सबको भी धन्यवाद देती हूँ और होली की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। तो मैं अपना समय तो हम लोग सीमा का जरा मैं कम ध्यान रखती हूँ, पर कोशिश करूंगी कि ध्यान रखू। स्वागत स्वागत। तो मैं छोटी छोटी दो चीजें प्रस्तुत करना चाह रही हूँ, देखती हूँ। रंग डालो धानी चुनरिया मोरी, रंग डालो धानी चुनरिया मोरी, श्याम सावरे धानी चुनरिया ओढ़ घर से जो निकली, धानी चुनरिया ओढ़ घर से मैं निकली, कुटूटी काली कोयलिया अमराई में, काली कोयलिया अमराई में, धरती पर छाई हरियाली मेरे सांवरे, धरती पर छाई हरियाली मेरे सांवरे, रंग डालो धानी चुनरिया मोरी, रंग डालो धानी चुनरिया मोरी, प्रीत के रंग रंगी लाल मेरी बिंदिया, प्रीत के रंग रंगी लाल मेरी बिंदिया, अरुणाई व्याप गई, अरुणाई व्याप गई, व्योम ही संवर गया, अरुणाई व्याप गई, व्योम ही संवर गया, डूब गया मन मेरा प्रेम रंग सांवरे, डूब गया मन मेरा प्रेम रंग सांवरे, रंग डालो धानी चुनरिया मोरी, पीत परे धान पहन सरसों जो झूम उठी, पीत धान पहन सरसों जो झूम उठी, पीत पर धान पहन सरसों जो झूम उठी, मुदित सारे मन हुए ज्ञान की बयार बही, मुदित सारे मन हुए ज्ञान की बही बयार, बासंती बेला में आ जाओ मेरे सांवरे, बासंती बेला में आओ मेरे सांवरे, नील गगन नील उदद नील गाते सांवरे, नील गगन नील उदद नील गाते सांवरे, शांत चित एक बनो नील ये सिखाए रे, शांत चित एक बनो नील ये सिखाए रे, पीतांबर धारी पीतांबर धारी दृति तेरी मनोहारी रे, पीतांबर धारी दृति तेरी मनोहारी रे, रंग डालो धानी चुनरिया मोरी, केसरिया पाग पहन सज गए मुरारी, केसरिया पाग पहन सज गए मुरारी, सरिया पाग पहन सज गए मुरारी, होली के रंग भरी ले लो पिचकारी, होली के रंग भरी ले लो पिचकारी, इंद्रधनुष आभा बिखराओ मेरे सांवरे, इंद्रधनुषिया भा बिखराओ मेरे सांवरे, मन की उमंगों के रंग अनूठे अनुपम, मन की उमंगों के रंग अनूठे अनुपम, बांट आओ खुशियों के रंग मेरे सांवरे, बांट आओ खुशियों के रंग मेरे सांवरे, रंग डालो धानी चुनर
सुनरिया मोरी श्याम सावरे, श्याम सावरे, बरसे राग गाओ राग झूम झूम के, बरसे गा राग गाओ भाग झूम झूम के, झूम झूम गाओ तुम गीत मेरे सावरे, झूम झूम गाओ संग गीत तेरे सावरे, रंग डालो धानी चुनरिया मोरी। आप बहुत अच्छा गाती हैं हमेशा, मतलब आपकी गायकी पे भी आपका बड़ा कमांड है और जो शब्द संयोजन और भावपूर्ण प्रस्तुति होती है ना, नायाब, लाजवाब। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। बासंती ट्यूनर पहने, बासंती ट्यूनर पहने आप। हाँ, मैंने तो रंग बिरंगी पहनी, त्रिलोक जी ने कल इतना बढ़िया सा दुपट्टा ओढ़ा था, मैंने कहा मैं भी अच्छा सा पहनती हूँ। बहुत सुंदर। होली के रंग निराले, मन को मदमस्त बनाने वाले, होली के रंग निराले, मन को मदमस्त बनाने वाले, सोचो यदि ये रंग ना होते, सोचो यदि ये रंग ना होते, कजरारे नैनों का जादू भी ना, कजरारे नैनों का जादू भी ना होता, सुनहरे बाल ना होते, होंठ गुलाबी, गाल गुलाबी ना होते, ना होते बसंती ऋतु, ना होती बसंत, ना होते रंग बसंती ऋतु में, पीली सरसों को देख कवि हृदय कुछ छंद अनोखे बुनता, कवि हृदय कुछ छंद अनोखे बुनता, दुल्हन की चूनर में फिर कहां लाल रंग आता, दुल्हन की चुनर में फिर कहां लाल रंग आता, न झुकी पलकों वाले मुखड़े पर लाज लालिमा छाती, न झुकी पलकों वाले मुखड़े पर लाज लालिमा छाती, वो नीली शर्ट वाला लड़का, वो नीली शर्ट वाला लड़का कैसे पहचाना जाता। फिल्मों में मैंने देखा अनिल कपूर के लिए कहा गया था भाई नीली शर्ट पहनकर आइए, नायक फिल्म में था, तो वो नीली शर्ट वाला लड़का कैसे पहचाना जाता, वो सुनहरी पोशाक में दूल्हा सजाना होता, वो सुनहरी पोशाक में दूल्हा सजाना होता, सुनहरी धूप सुरमई सांझ ना होती, नील गगन पर अरुणिम छटा सूर्य ना बिखरा पाता, नील गगन पर अरुणिम छटा सूर्य ना बिखरा पाता, ना रंग बिरंगी तितली फूलों पर मंडराती, आओ अब और ना सोचें, प्यार भरे रंगों से भरी पिचकारी, होली के खुशियों के रंग बिखेरे, होली की खुशियों के रंग बिखेरे, ये रंग हमारे जीवन में हमेशा रहे, ऐसी सबके लिए मेरे मन में कामना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुषमा जी, बहुत सुंदर शब्द संयोजन, और मुझे लगता है सर कोई बाकी तो नहीं रहा है पढ़ने वालों में। जी 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 बिल्कुल, बाकी तो है आप। मैम शायद कुछ कहना चाहती है, शायद वो म्यूट हो गई है। एक है जो राखी जी, आपको आपको सुनने के लिए हम लोग बेकरार बैठे हैं राखी जी, आपको हम कितना भी सुन लें पर वो बेचैनी जाएगी नहीं, तो जो इतनी सुंदरता से इतनी देर से हम सबको बांधे हुए हैं, संचालन सिर्फ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम नहीं, संचालन वो है जो कार्यक्रम की सत्यता को स्थापित कर दे, उसकी सार्थकता को जता दे, और जितने लोग उपस्थित हैं जो भाग ले रहे हैं और जो सुन रहे हैं या जो बाद में सुनेंगे उनको बांधे रखे, ये संचालन की होती है। तो संचालन मतलब चल दिए, नहीं चल दिए, खाली चलना नहीं है, चलते चलते सबको बांध लेना भी अपने आप में संचालन है। तो राखी जी के बारे में मैं क्या कहूं, उनको निमंत्रित करना मतलब खुद के लिए ही सौभाग्य निर्मित करना, मुझे ऐसा लगता है। तो आज क्या हुआ, गीत हो, संगीत हो, लोकगीत हो या ये ब्रज के गीत हो, सारी विधाएं देख रही थी, सारी विधाएं देख रही हैं अचंभे से, सारी विधाएं देख रही है अचंभे से, ये कौन है जो हम सबको जानता है, ये कौन है जो हम सबको पहचानता है, ब्रिज की बाला है या गांव की छोरी है,
ब्रिज की बाला है या गांव की छोरी है या वो है जो हरदम खेले हो रही है, या वो है जो हरदम खेले हो रही है, जो रंग में हम सबको डुबो रही है, जो रंग में हम सबको डुबो रही है, कभी ब्रिज छटा कभी मुरारी की बंसी तो कभी गोरी की नटखट अदाएं हमको दिखा रही है, ऐसी राखी जी को मैं बुलाना चाहती हूँ। और राखी के नाम गुजिया की मिठास है। ये अभी अभी याद आया कि रक्षाबंधन जिसमें राखी बांधी जाती है, शायद उस नाम का ये प्रताप है कि ये सबको बांध लेती है, ऐसा ये मेरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो राखी जी आपको हम सुनना चाहते हैं और पूरा पूरा सुनना चाहते हैं, खंड में तो सुना है अब पूरा सुनना चाहते हैं। आइए आपका स्वागत। होली पे गुजिया की मिठास है राखी जी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, ये आप लोग का प्यार है जो मुझे भी, मैंने आज बताया त्रिलोकनाथ जी को कि आज विद्यालय से आते वक्त मुझे बुखार हो गया और मुझे बड़ा मुश्किल सा लग रहा था, लेकिन देखिए ये प्यार ही आपका कि बैठे हुए हैं और कोई कह नहीं सकता है कि कहीं पे कोई समस्या है, तो जब अपनों से मिलते हैं तो सारी जो कहते हैं ना चिंता तनाव सब गायब हो जाता है और हम बिल्कुल स्वस्थ मस्त हो जाते हैं। एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, वही श्रृंगार का गीत है, राधा और कृष्ण के प्यार का गीत है। राधा जी जो है किस तरह से शिकायत कर रही है सुनिएगा कि आई होरी बाह तेने ना मरोरी, कैसे समझाऊ जी को आई ये होरी है। आई होरी बाह तेने ना मरोरी, कैसे समझाऊ जी को आई ये होरी है। होरी को हुड़दंग भैया, होरी को हुड़दंग भैया, अंग अंग भी जो दैया, लाल लाल पिचकारी मन को भी गोवत है, लाल लाल पिचकारी मन को भी गोवत है, लाल तेरे गाल और लाल है गुलाल, फिर काहे को मलाल काहे करत ठिठोरी है। लाल तेरे गाल और लाल है गुलाल, फिर काहे को मलाल काहे करत ठिठोरी है। आई होरी बाह तेने ना मरोरी, कैसे समझाऊ जी को आई ये होरी है। संग सब हिल मिल अबीर में झिल मिल, आखिन में नेह राधा लठिया घुमावत है, आखिन सिने है राधा लठिया घुमावत है, कान्हा संग सखा के हा हा खावत है, कान्हा संग सखा के हा हा खावत है, राधा सखियन संग करे बरजोरी है, राधा सखियन संग करे बरजोरी है। आई होरी बाह तेने ना मरोरी, कैसे समझाऊ जी को आई ये होरी है, कैसे समझाऊ जी को आई ये होरी है, कैसे समझाऊ जी को आई ये होरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर राखी जी, बहुत सुंदर, बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद। और होली का त्योहार बहुत सारी विशिष्टताएं अपने आप में रखता है, एक चीज जो उससे जुड़ी हुई है वो मैं चलते चलते सबसे याद दिलाना चाहूंगी कि झारो मन की गरज गुबार, झारो मन की गरज गुबार, झारो झगरन के झंकार रंग रंगीली होली में, कि मन की गरज गुबार जो भी झगरन के झंकार हैं वो सब हमें खत्म कर देने हैं। कहते सारी नकारात्मकता हम उस होली की जो अग्नि है उसे स्वाहा कर देते हैं और सकारात्मकता की ज्योति जो होती है वो सबको ऊर्जा प्रदान करती है। तो बस यही कामना है हिंदी शिक्षण मंच के इस मंच से कि हम सबके जीवन में वो सकारात्मकता, वो ऊर्जा, वो उमंग, तरंग और उत्साह समाहित होता रहे। और इसी के साथ मुझे लगता है आप विदा लेने का समय हो गया, बड़े समय से बड़ी सुंदर प्रस्तुतियां इस मंच से हुई। तो सभी दर्शक और श्रोता जो हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं
उनका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। और मैं चाहूंगी एक बार त्रिलोकनाथ पांडे जी अपने सुंदर शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करें, तो फिर क्या ही बात होगी। आदरणीय पांडे जी आइए। जी बिल्कुल, आप सभी को पुनः नमन है। और विश्वास मानिए, जी तो करता है कि बैठ के सुनते रहे, परंतु तो क्या करें, गुजिया जो खाना है, दही बड़े जो खाने, और घर घर जाना है भाई, डफली बजाना है। तो कलकत्ता में दूरी बहुत है, कलकत्ता में दूरियां बहुत है, आपको समय भी लगेगा, समय भी लगेगा, रहेगा रिंकी सो ना जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत जगह जाना है, बहुत जगह हम लोग घूमे हैं, बहुत आनंद लिए हैं। और हिंदी शिक्षण मंच, जिंदगी हिंदी है जिंदगी, समाज्ञा आप सभी को पुनः, या यूं कहूं बार बार होली की बधाई देता है। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। कुछ पंक्तियों के साथ मैं यहां समापन करना चाहूंगा। आज मुबारक कल मुबारक, आज मुबारक कल मुबारक, होली का हर पल मुबारक, आज मुबारक कल मुबारक, होली का हर पल मुबारक, रंग बिरंगी होली में हमारा भी एक रंग मुबारक। क्या बात है, क्योंकि ये मंच सिर्फ आपका ही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ उपस्थित जितने भी प्रतिभागी थे, कवि थे, उन्हें नमन करना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज राखी जी हमारे साथ जुड़ी, क्योंकि आज उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, उसके बावजूद भी वो जुड़ी हैं। और कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने मतलब संचालन किया है, जितनी तालियां मैंने आज बजाई हैं पहले कभी नहीं बजाई, जितनी बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। और कुछ लगा कि होली है जो है, उसकी गुलाल जो है वो गुलाल अपने गालों पर मलते रहिए, दूसरों के गालों पर मलते रहिए। एक बात अवश्य मैं कहना चाहूंगा, जहां पर भी रहें एक स्वर्ग बनाएं, ये हमारे प्रधानाचार्य महोदय भी कहते हैं, जहां पर भी रहें एक स्वर्ग बनाएं और उस स्वर्ग को सजाएं, अपने हिस्से का स्वर्ग भी दें उसे और उसको सजाएं। जहां भी रहें आप, होली सही मायने में स्वर्ग में ज्यादा अच्छी लगती है ना। तो अपना समय जो है अपनों के साथ बिताएं, खुश रहें, मस्त रहें, नकारात्मकता से दूर रहें, क्योंकि ये हमेशा कहा गया है कि जहां नकारात्मकता है वो हमेशा वो उसी चीज को अपनी ओर खींचती है, परंतु जहां भी सकारात्मक दृष्टिकोण होगी वो चीजें हमेशा हमें खींचती हैं, अच्छी चीजों को खींचती हैं। इसलिए इस मंच से बस एक ही गुहार है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छा सोचें और एक स्वर्ग दूसरे को भी समर्पित करें, जहां भी जाएं स्वर्ग की अनुभूति लें और दूसरों को भी दें। बस इतना ही करना है, मुस्कुराते रहें, आनंद लें, यही सक्रिय रहें, जितना अधिक अपना सक्रिय योगदान देते रहें। बिल्कुल, क्योंकि ये मंच भाई आपका है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः नमन है, राखी जी को बारंबार नमन है, जितने भी साथी यहाँ जुड़े हैं, सुदामी मैम है, अंजू मैम है, अर्चना मैम है, रिंकी जी हैं, कंचन जी हैं, सुषमा जी हैं, और जितने भी हमारे साथी यहाँ जुड़े हैं उनको भी नमन है। आज कुछ साथी नहीं जुड़ पाए किन्हीं कारणों से, उनको भी नमन है, अगली बार कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। के साथ आप सभी को नमस्कार, आप सभी को बारंबार इन्हीं शब्दों के साथ शुभ रात्रि, रंग राधे राधे, राधे राधे, वो लोग बाके बिहारी जय।